जय नमोस्तु। तुम चनंदे आनंदे नमियो शुभा गुरु श्री गोपति गोपति ज्ञान सरिता कारण तरण समर्थ गुरु संसार धर्म चुतौ जिनवर ही अर्थ की अर्थ जो भय विनाश भव जो मन पर देखो गुरु को धन को सची को वरमान। श्री कमल किस ग्रंथाचरम परम भाव परमेष्ठी नमाम परम देव देव। बोलिए श्रीमद चिंतारण लाचार्य जी महाराज की। पंत चरण नमः सिद्ध परमराज माजिनवाणी शतगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान में रसधार यह श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराजी। जहाँ अपन वर्तमान में श्री कमलवती श्री ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं भगवान जी और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी गाथा नंबर 21 में जो छह काय के जीवों के प्रति अनुकंपा की बात कह रहा है उस बात को समझने का अभ्यास कर रहा है। षटुकाय जीवाना छह काय के जीव है भैया। अपन जानते हैं छह ने काय के जीवों के भैया पंचस्थावर का है विकलातरे पर्याय में दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पंच इंद्री आदि और संगी मनुष्य आदि ये छह काय के जीव है भैया। मनुष्य त्रियंश आदि कृपा सहकार विमल भवेन इन सभी पे एक समान भाव से करुणा करना है। ये सब मेरे समान जीव हैं ये सब मेरे समान आत्मा है सब सुख स्वरूपी हैं सुख चाहते हैं सब दुख से घबराते हैं भैया। किसी को मेरे निमित्त से पीड़ा ना हो ऐसी आत्मा की अंतर की भावना रहना। सत्वम जीव संभावम इन सभी जीवों के प्रति समान भाव रखना मध्यस्थता का भाव रखना मैत्री का भाव रखना भैया। मैत्री कारण आदि भावनाओं से इन सबके के सबके बीच में मध्यस्थ रहना समता भाव से रहना और कृपा सह विमल कलिष्ठ जीवाना। ये देखो ना ये तो वैसे ही कलिष्ठ अर्थात कलेश भोग रहा है इन्हें आत्मसुख का पता नहीं। एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय आदि पर्याय में अनेक उपसर्गों को अनेक पीड़ा को सहन कर रहे हैं बहुत अधिक पीड़ा को सहन करने वाले ये जीव भैया अपने में ही अनंत दुखी हैं। ये जिन पर्यायों में इनका जन्म है उन पर्यायों में ही इन्हें अनेक कष्ट हैं भैया। इनको ऐसा कष्ट में देख के आनंदित ना होना इन्हें ऐसा कष्ट में देख के अपना विवेक ना खोना इनका ऐसा कष्ट देख के भैया अपने में सम्यक चिंतन करना। क्या चिंतन करना कि देखो अनादि की भूल का परिणाम कितनी वेदना को भोग रहा है एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय में देखो तो ये कितने पीड़ित हैं कितनी क्या बोलते हैं बराधना हो रही इनकी। भैया ऐसा जान के अपने को क्या करना है कृपा विमल भाव से अर्थात अंतर से विशुद्ध भावना सहित इन पे करुणा का परिणाम रखना है। क्यों करुणा का परिणाम रखना भैया यदि इनका कलेश देख के अपने को करना नहीं आई इनके दुख देख के यदि अपने को करना नहीं आई तो भगवान जी अभी अपन जीव मात्र की शक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो बहुत बड़ा सिद्धांत है यदि इन जीवों में इनकी पीड़ा को देख के इनका परिभ्रमण देख के इनके अंदर होने वाली आकुलता को देख के यदि अपने को दया नहीं आती अपने को अनुकंपा नहीं आती अपना हृदय कोमल नहीं होता भैया अपनी आत्मा मृदु नहीं होती तो भगवान आत्मा क्या होगा
अपने को उन कर्मों का बंध होगा जिन कर्मों से अपन इन दुखों को भोगेंगे। क्यों? क्योंकि वो हिंसा नंदी रोध ध्यान में चला जाए। तो अब अपन हिंसा को समझने का अभ्यास करते हैं। देखो बहुत अच्छे से सूक्ष्म विषय ले रहा है, बड़ा उपयोग लगा कर समझेंगे तो समझ में आएगा क्या कह रहे हैं भगवान जी यहाँ। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ आचार्य गुरुदेव की भावना है कि हमें हिंसा से विरक्त होना भैया। क्यों हिंसा से विरक्त होना भैया? क्योंकि ये बात सिद्ध है। क्या सिद्ध है? कि जो जीव जितना है हिंसा से विरक्त है वह आत्मा उतना ऊपर उठा हुआ है। अन्य मत में भी ये कथन आता है भैया। क्या कथन आता है? कि ये प्रकृति अर्थात ये जितना वातावरण है ना, प्रकृति अर्थात ये विश्व, ये संसार, उनके लिए प्रकृति मतलब हवा जल वायु आदि ये सब, ये प्रकृति अहिंसा में है भैया। और यहाँ जो जितना अहिंसक प्रवृत्ति करता है ये प्रकृति उसे उतना ऊंचा उठा देती है, प्रकृति उसे उतना ऊंचा उठा देती है। और भैया यहाँ जो जितना हनन करता है अर्थात जो जितनी ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति करता है तो ये प्रकृति उसे नीचे पतन की ओर लेके जाती है। जैसा अपने यहाँ नहीं, जैसा अन्य मतों में भी कथन है भैया। क्या कथन है? ये प्रकृति अहिंसात्मक है भैया, इस प्रकृति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। तो क्या क्या सिद्धांत लगा लेते हैं वो लोग, क्या चर्चा करते हैं? वो ये कहते हैं कि जो जितना अहिंसक है प्रकृति उसे उतना ऊपर उठा लेती है, और जिसमें जितनी हिंसा की भावना है प्रकृति उसे उतना नीचे की ओर पतन की ओर लेकर जाती है। ये सामान्य सामान्य भाषा में भी ये चर्चा है। तो अपन हिंसा और अहिंसा को समझना प्रारंभ करते हैं। भाई देखो, एक होती है बुद्धिपूर्वक हिंसा जिसे कहते हैं संकल्प हिंसा, और एक होती है भैया क्या बोलते हैं आरंभिक हिंसा। अपने को दोनों को समझना है कि बुद्धिपूर्वक संकल्प हिंसा क्या है और आरंभिक हिंसा क्या है, और अपने जीवन से समझना। देखो भैया, जो हिंसा विवेक को खोके होती है, बहुत अच्छे से सुनो इस बात को, जो हिंसा विवेक को खोके होती है रुचिपूर्वक होती है, विवेक रहित होने पे होती है, रुचि पूर्वक होती है, उसे कहते हैं संकल्प हिंसा। विवेक को खोके होती है मतलब भैया विवेक का नाश करके होती, मतलब जो हिंसा बुद्धिपूर्वक अर्थात दो उदाहरण देते हैं हम आपको। एक मान लो बुद्धिपूर्वक अपन ने किसी से अपशब्द कहे, तो ये जो अपन ने अपशब्द कहे ये हिंसा बुद्धिपूर्वक की है। अनर्गल बात कही, अशब्द कहे, किसी को पीड़ा देने के लक्ष्य से जो वाणी कही गई वो बुद्धिपूर्वक की हुई हिंसा है। अब एक हिंसा ये होती है भैया, अब भैया हम कहना तो नहीं चाहते थे लेकिन निकल गए, हमारे ऐसा अभिप्राय नहीं था लेकिन कर्म उदय जन परिस्थिति में निकल गए, तो ये भी वाणी से उसे चोट लगेगी, उठती लग सकती है, लेकिन भैया ये बुद्धिपूर्वक नहीं है, ये निकला हुआ है, विचार से योजना मना के नहीं किया गया। अब देखो, अब इसका एक और उदाहरण देते हैं भैया, इसका अपन लौकिक उदाहरण भी देते हैं। जैसे कि भैया बुद्धिपूर्वक अभक्ष आदि को ग्रहण करना, रुचिपूर्वक अभक्ष आदि को ग्रहण करना, विवेक छोड़ के अभक्ष आदि को ग्रहण करना, ये कौन सी हिंसा हो गई भैया? संकल्प, बुद्धिपूर्वक रुचिपूर्वक और विवेक रहित होके उन अभक्ष आदि पदार्थों को ग्रहण करना, ये हो गई संकल्पी बुद्धिपूर्वक हिंसा। अब भैया बुद्धिपूर्वक हो गई, अब हम ग्रहण करते नहीं है ना, हमारा ग्रहण करने का भाव है, लेकिन यदि संयोग बस यदि अपने संयोग में अपन भैया कुछ सोत के भी ले रहे हैं, मान लो अपन भैया लौकी खा रहा है लेकिन लौकी में भी यदि कोई दोष लग जाए तो भैया वो दोषयुक्त अपन ग्रहण कर ले तो भैया वो जो हिंसा है वो विवेक। देखो देखो आरंभ हिंसा क्या भैया, लौकी भी एक इंद्रिय जीव है भैया, लौकी भी एक इंद्रिय जीव है, लेकिन अपन ने विवेक पूर्वक ग्रहण किया भैया, कि अपन ने आलू को ग्रहण नहीं किया, अभक्ष को ग्रहण नहीं किया और लौकी को ग्रहण किया भैया। तो अब ये क्या हो गया भैया? ये आरंभ हिंसा हो गई। देखो देखो ऐसे समझाते हैं हम आपको। देखो इस मनुष्य भाव में अपने को जहाँ अपन जन्म लेके आए हैं
महा अपन अपने को भरण पोषण के लिए अपन एक इंद्रिय के आश्रित, एक इंद्रिय के आश्रित है भैया, मतलब अपन जितना भी ग्रहण कर रहे हैं भूख प्यास में भोजन आदि से अपने सोने जागने उठने बैठने के लिए अपन सब कुछ एक इंद्रिय को ही ग्रहण कर रहे हैं। मतलब अपना जो जीवन चल रहा है ना भैया, वो एक इंद्रिय का कलेवर, कलेवर मतलब समझ गए, शरीर, अपन उस एक इंद्रिय के शरीर को खा के अपना भरण पोषण कर रहे हैं। जो अपना कबला आहार है ना भैया, वो एक इंद्रिय आहार ही है भैया, एक इंद्रिय का शरीर ही है, एक इंद्रिय जीव नहीं है उसमें, काया है, क्योंकि वहां एक इंद्रिय जीव की उत्पत्ति होती, इसलिए वो एक इंद्रिय की काया का भरण, एक इंद्रिय की काया का जो उपभोग हो रहा है वो अपने भरण पोषण के लिए ही हो रहा है, और इस समय अपना भरण पोषण इस एक इंद्रिय के आश्रित ही है। अपन चाहे भी तो इस एक इंद्रिय के आश्रय को छोड़ के नहीं रह सकते भैया। क्यों नहीं रह सकते भैया? यदि इस एक इंद्रिय के आहार को छोड़ना है तो फिर भैया ध्यान में लीन होकर समाधि की भावना करनी पड़ेगी। घर पुत्र परिवार में रह रहे हो और कर्म भूमि में जन्म हुआ आपका, उसमें पंचम काल में, तो आपको इस आहार के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ यदि लौकी जब तक पेड़ में लगी हुई है पकी नहीं है, जब तक उसमें अनंत जीव है, पक गई पेड़ से निकल गई तो उस एक 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 लौकी का स्वामी एक ही जीव है। अब जब आपने उसे बना लिया कर लिया तब वो जीव निकल गया, सिर्फ काया है, जीव नहीं है, बस कलेवर कहो या काया कहो एक ही बात, तो वो कलेवर है, उस कलेवर से ही जीव के आहार आहार अपन जल पी रहा है, अग्नि का उपयोग कर रहा है, ये सब एक इंद्रिय जीव के उत्पत्ति स्थान है, योनि स्थान है, तो इन एक इंद्रिय के ये योनि स्थान है जहाँ ये उत्पन्न होते हैं और इनसे ही अपना भरण पोषण चल रहा है सारा। अपन अभी जीव इस इनके ही आश्रित हो रहा है, तो अपन अब क्या चिंतन करना चाह रहे हैं यहाँ? अब देखो भैया यहाँ विवेक, अब देखो विवेक का विचार आया, अब यहाँ विवेक लगाना भैया, क्या विवेक लगाना कि एक इंद्रिय से भरण पोषण तो हो रहा है लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं वो क्या कहें मैं अप्रतिष्ठित वनस्पति को ग्रहण करेंगे, जिनमें निगोरिया और अनंत जीवों की बहुजीवों की उत्पत्ति नहीं पाई जाती, जैसे वो भट्टे का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे कि वो अदरक का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे कि वो भैया गीली हल्दी का उपयोग नहीं करेंगे, और जैसे कि भैया वो बाहर में जो अभक्ष पदार्थ हैं जिनकी मर्यादा खत्म हो जाती है उन अमर्यादित पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया आप अमर्यादित पदार्थों का उपयोग? क्योंकि उनके अंदर में विवेक काम करेंगे, उनके अंदर में अब अंतर हृदय में विवेक की जागृति होगी भैया। क्या विवेक की जागृति होगी भैया? एक इंद्रिय के आश्रित आहार भरण पोषण तो है लेकिन अपन भैया कम से कम जितना हो सके उतना कम से कम हिंसा की प्रवृत्ति करो भैया, हिंसा को कम करने का अभ्यास करेंगे। लेकिन भैया जो विवेकी नहीं होगा, जो विवेकहीन होगा, जो रसना इंद्रिय का लोलुप होगा, जो प्रमादी जीव होगा, वो कहेगा क्या होता खाने पीने से, कुछ भी खा लो क्या फेंकेंगे क्या? अब क्या हो गया भैया ये प्रमाद, ये स्वच्छंदी प्रवृत्ति, ये अविवेक, और जहां अविवेक का जन्म होगा वहां क्या होगा भैया? जैसे ही अविवेक का जन्म होगा वहां अनंत की हिंसा प्रारंभ हो जाएगी। जहां अविवेक ने जन्म लिया, जहां प्रमाद ने जन्म लिया, जहां अज्ञानता ने पांव पसारे, वहां अनंत अनंत जीवों का, त्रस्त जीवों का घात प्रारंभ हो जाएगा। जैसे पानी उबाल दिया, पानी आपने गर्म करा उसमें थोड़ी सी उब आ गई तो 6 घंटे की मर्यादा बस, और यदि पानी खोलता हुआ गर्म हो गया तो 24 घंटे की मर्यादा, इन दो के अलावा कोई मर्यादा नहीं है। भोजन दाल सब्जी आदि ये जो पदार्थ है ये नमक की जो मर्यादा है सेके नमक की वही 6 घंटे की नमक, और दूसरी बात ये आटे में यदि पानी मानी लग जाए तो नमक तो अपन डालते ही है, उसमें कुछ चीज की मर्यादा 6 घंटे की, कुछ की 8 घंटे की, कुछ की 12 घंटे की है, लेकिन नमक के बिना तो कुछ बनता है ही नहीं। नमक नहीं डालोगे नमकीन में तो मर्यादा 12 घंटे की हो जाएगी, लेकिन नमक के बिना कौन बना रहा, सेके नमक की मर्यादा 6 घंटे की। तो इस कारण से भगवान आत्मा
छः घंटे की मर्यादा रोटी आदि दाल आदि की कही गई। और क्या कहते हैं, क्या चर्चा कर रहे थे हम कि दाल आदि जो पदार्थ है उनमें जीवों की उत्पत्ति पानी मिलने के बाद शीघ्र होती, ये भी कारण। हम क्या चर्चा कर रहे थे अभी कि अपन एक इंद्री के कलेवर को लेके अपना पूरा जीवन का भरण पोषण कर रहे हैं। अब यदि आपने विवेक का उपयोग किया, अंतर से यदि आपने विवेक का उपयोग किया तो आप उसको हिंसा को टालोगे भैया। आपकी भावना क्या कहते हैं भैया, आपकी भावना उन जीवों की रक्षा करने की होगी भैया, और उन जीवों की रक्षा करने की होगी तो अपने आप ही अपने जीवन से प्रमाद टलेगा भैया, अपने आप ही अपने जीवन से अज्ञानता और प्रमाद टलेंगे। और यदि भैया अपनी उन जीवों की रक्षा करने की भावना नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली अपने जीवन में अनंत दोष उत्पन्न होंगे भैया। और देखो ना, अपने को क्या समझना है भैया, सबसे बड़ी बात अपने को क्या समझना है, अपने को ये समझना है कि अपने भाव में वो अनुकंपा आ रही है या नहीं आ रही, अपने को उन जीवों का विचार हो भी रहा है या नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात तो ये। पहली बात तो भैया अपन इन चीजों को ग्रहण करते समय उनमें उन जीवों की उत्पत्ति देख भी पा रहे हैं नहीं देख पा रहे, ग्रहण कर रहे हैं तो वो बात तो बात की, पहले तुम ये बताओ कि उन पदार्थों में आपको जीव दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? बाजार का नमक ला के खा रहे हो, जीव दिख रहा है उसमें, अनंत अनंत जीव दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? कितने महीने पुराना पैसा रखा है, महीने दो दो छह चार से छह महीने पुराना, छह महीने पुराना नमक पैकेट खोला और अपन ने भोजन में डाल दिया, जीव देखे उसमें नहीं दिखे ना? तो ये क्या है, विवेक ना होने से जीव को, आत्मज्ञान ना होने से, तत्व ज्ञान ना होने से जीव को क्या हो जाएगा भैया, जीव को वो स्वच्छंदी प्रवृत्ति अपने आप ही उपयोग, अपने आप ही महा होगी, अपने आप ही संकल्प हिंसा होगी भाई, विवेक नहीं है ना तो अपने आप ही संकल्प हिंसा होगी। विवेक होता अभी कितनी सी देर लगती नमक, सेंधा नमक लाके और घर में पीसने में, आजकल मिक्सी 5 मिनट ओनली, मुश्किल से, तो कितनी सी देर लगती है, कहने लगे इतना सा टाइम लगता भैया, लेकिन कौन करेगा, कौन पीसेगा, कौन तोड़ेगा, कौन भरेगा, कौन केयरिंग करेगा? तो जबकि भैया आजकल तो विज्ञान भी कह रहा है कि लाहौरी नमक ही जीभ के लिए वरदान है और पैकेट वाले नमक, ये आयोडीन मिक्स नमक, ये सब विष है, जहर है, साइंस कह रहा है लाहौरी नमक सेहत के लिए 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन भगवान जी जीव इतना प्रमादी है, इतना प्रमादी है, इतना प्रमादी है कि जीव को जीव दया का विचार नहीं आ रहा, ये बात तो अलग, बस उसे तो स्वाद चाहिए, बस प्रमाद इतना है कि स्वाद चाहिए, रसना इंद्रिय का स्वाद चाहिए, बस अच्छा अच्छा खाने चाहिए, उसमें सही क्या है गलत क्या है इसका कोई विचार नहीं, बस चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, पेट भरते जाओ, पेट भरने के अलावा कोई दूसरा काम। तो भैया देखो अपने को, और हाँ इसके साथ एक बात और कह दे, कल एक प्रश्न आया था भैया, यदि दिन भर हम जीव दया का विचार करते रहेंगे हम अपनी आत्मा परमात्मा और भेद ज्ञान कब करेंगे ये तो बताओ। अब लोगों को बड़ी घबराहट होती है भैया, लोग बहुत क्या है बुद्धिपूर्वक मार्ग को ग्रहण करना चाहते हैं ना, वैसी रुचि नहीं है ना, वैसा आचरण नहीं है ना, तो लोगों को बहुत घबराहट होती है। अब लोगों ने क्या प्रश्न करा भैया, क्या प्रश्न करा कि भैया आपने जो कल अहिंसा की बात कही, यदि हम दिन भर यही देखते रहेंगे कहाँ कहाँ जीव है, और दिन भर जीवों को बचाते ही फिरेंगे, हम दिन भर जीवों की रक्षा ही करते फिरेंगे, तो भगवान जी भेद ज्ञान तत्व निर्णय कब करेंगे, हमारा दिन तो इसी में निकल जाएगा, धोने बनाने और खाने और सोधने में, हम तो आत्मा परमात्मा को भूल ही जाएंगे। भैया देखो क्या है, जीव को क्या बोलते हैं चैतन्य की रुचि नहीं है, लेकिन वो चैतन्य की रुचि के बिना क्या कह रहा है कि भैया हम तो आत्मा परमात्मा को भूल ही जाएंगे। अरे जीवात्मा सुनो, तो एक बात कहे आपसे कि ऐसा विवेक सिर्फ उन्हीं को जागृत होगा जो अपने परमात्म तत्व की सूरत में रहेंगे, और जिन्हें अपने परमात्म तत्व की सूरत नहीं है ना, उन्हें ऐसा दया परिणाम नहीं आएगा, फिर वो ऐसी क्रिया करेंगे कि इन जीवों को बचा लो, इन जीवों को बचा लो, इन जीवों को बचा लो, और उन क्रिया में उन्हें कलेश पड़ेगा, उन्हें सामता शांति बढ़ने वाली नहीं है, ये क्रिया तो उनके अंदर से होने वाली है, शुद्ध भाव सहित विमल भाव का ना, कृपा सहकार विमल भावें, ये छह काय के जीवों की रक्षा का परिणाम तो उनके अंतर से प्रकट होने वाला है, विमल भावें अर्थात
जिनके अंतर में निर्मल भावना अर्थात आत्मविशुद्धि प्रकट हुई है और जिन्हें तत्व स्वीकार नहीं हुआ वो तो स्वच्छंदी है ही, जिन्हें आत्मा की सूरत नहीं है वो तो स्वच्छंदी है ही। और जो स्वच्छंदी है भैया, यदि वो ये क्रिया कर भी रहे हैं तो उनके परिणाम में वैसी विशुद्धि नहीं है। और परिणाम की विशुद्धि के बिना यदि आप द्रव्य हिंसा टाल भी रहे हो तो स्वर्ग आदि का कारण है, पुण्य फल तो मिलेगा, जीवों की रक्षा करने का, जीवों की करना करने का पुण्य फल तो मिलेगा लेकिन मुक्ति का फल नहीं मिलेगा। लेकिन अपन यहाँ आचार्य श्रीमद जयतारण स्वामी मुक्ति फल की बात कर रहे हैं, मुक्ति फल यही तो कह रहे हैं। जितनी गहराई से तत्व स्वीकार होगा उतनी गहरी अनुकंपा आएगी। देखो देखो, हम आपको ही बताया, देखो तत्व की स्वीकार से अनुकंपा का क्या संबंध, अच्छे सुनो आप, बहुत अच्छे सुनो भाई। जितनी गहरी तत्व की स्वीकारता होगी उतनी गहरी अनुकंपा का क्या संबंध। देखो जितना ज्यादा आप तत्व को स्वीकार करोगे, जितना अधिक आपको भेद ज्ञान होगा, उतने ज्यादा आपके परिणाम में कषायमंद होगी, आपके परिणाम कोमल होंगे। और जितने आपके परिणाम कोमल होंगे, आपके हृदय में राग द्वेष आदि विकारी जो परिणाम चल रहा है ना, उन अशुभ परिणामों का अभाव होगा। जो अशुभ परिणाम पाप परिणाम है ना, उन पाप परिणाम का अभाव होगा। तो जैसे ही पाप परिणाम हटेंगे तो अनुकंपा करना के शुभ परिणाम अपने आप ही वहां परिणामित होने लगेंगे, क्योंकि जीव का उपयोग परिणामशील है। जब तक अपन प्रमाद में है, सावधान, जब तक अपन प्रमाद में है, शरीर आदि में एकत्र करके बैठे हैं, इंद्रिय विषय भोगों में एकत्र करके बैठे हैं, मान अपमान आदि कसाई में एकत्र करके बैठे हैं, जब तक अपने अंदर प्रमाद है, भी कथा, चार प्रकार की भी कथा, पांच प्रकार के पाप, सात प्रकार के व्यसन, जब तक अपना चित्त यहाँ लगा हुआ है, तब तक अपने हृदय में पाप परिणामों का परिणाम दिन रात चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है। और जो अपने को पकड़ में नहीं आ रहा कि अपने अशुभ परिणाम चल रहे हैं, लेकिन ये सिद्धांत है, जैसे ही जीव को अंतर हृदय की गहराई से तत्व स्वीकार होगा तो उसके परिणाम बदलेंगे। उसके अब आवृत्ति की भूमिका में भैया अणुव्रत महाव्रत के परिणाम तो नहीं है, तो कैसे परिणाम बदलेंगे? सट काय के जीवों पे दया रूप अनुकंपा की जो भावना आएगी वो परिणाम अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। उन परिणामों से क्या होगा भैया? उन परिणामों से जीव के हृदय में कोमलता बनी रहेगी, विमल भाव से कोमलता बनी रहेगी। और क्या होगा? अंतर में विवेक का जागरण रहेगा, क्या ग्रहण करना और क्या ग्रहण नहीं करना। तो जिन लोगों का ये प्रश्न है भैया, क्या हम दिन भर जीव रक्षा की भावना करते रहेंगे तो आत्मा को भूल जाएंगे? तो भैया उन्होंने क्रिया को पकड़ा है, उन्होंने चैतन्य को। आई बात समझ में? ऊपर से गई। जिन्हें विकल्प आया, भैया हम ऐसे जीवों का ही विचार करते रहे, वो तो अपनी योग्यता से जन्म ले रहे हैं, अपनी योग्यता से मर रहे हैं। यदि हम ऐसे जीवों की रक्षा करने में पूरा दिन निकाल दें, शोधन भोजन शोधने में ही दिन निकाल दें, तो तत्व चर्चा सुनने का टाइम कब मिलेगा? भगवान आत्मा, अरे भगवान आत्मा, यहाँ परिणामों की विशुद्धि की बात चल रही है। जिनके जीवन में परिणामों की विशुद्धि होती है उनके जीवन में क्रिया की विशुद्धि स्वयं होती है, करनी नहीं पड़ती। और जो बुद्धि पूर्वक क्रिया की विशुद्धि करते हैं लेकिन परिणामों की विशुद्धि नहीं करते, उनको तीव्र क्रोधी देखा जाता है, तीव्र कसाय भाव रूप देखा जाता है, भैया वो जीव रक्षा भी करेंगे तो बड़बड़ करते हुए करेंगे, इतना काम है, इतना काम है, उन्हें रुचि, उन्हें शांति नहीं मिलेगी क्रिया से, उन्हें तीव्र कर्तव्य की मानता के कारण समता शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, भिन्नता नहीं मिलेगी, बल्कि उन क्रियाओं में कर्तव्य की भासना मिलेगी, अहम मिलेगा भाई, कसाय 10 गुनी ज्यादा होगी उनकी। लेकिन जिनके जीवन में ये सहज होगा उनकी कसाय न्यूट्रल होगी और आनंद का परिणाम होगा। ये सब करने में उन्हें कष्ट नहीं होगा, कर्तव्य का बोध नहीं होगा, ये सब करने में आनंद की वृद्धि होगी। भावलिंगी महामुनिराज क्या बोलते हैं, 5 समितियों का पालन करते हैं, अहिंसा आदि महाव्रतों का पालन करते हैं तो क्या उन्हें दुख होता है, पीड़ा होती? कसाय का अभाव होने से आनंद उत्तोत्तर वृद्धिगत होता है। और अपन भाई अपन ये विकल्प कर रहा है, क्या विकल्प कर रहा है कि हम यदि ये जीव रक्षा का परिणाम करते रहेंगे तो हमारी तो कसाय बढ़ जाए, हमारी तो क्रिया में लग जाए, हाँ आनंद बढ़ता है। लेकिन भैया आनंद नहीं बढ़ा इसका मतलब अपने कर्तव्य की पकड़ है, अपन उस तत्व को अंतर गहराई से नहीं जान रहे। तारण स्वामी जो बताना चाह रहे हैं उन गुरुदेव की बात को अपन अंतर आत्मसात नहीं कर रहे, अपन उसे क्रिया में लागू करना चाह रहे हैं। और जब भी भैया जब भी जीव मात्र क्रिया को पकड़ेगा, जब भी जीव
मात्र क्रिया को पकड़ेगा तो क्रिया को पकड़ेगा तो उसे कष्ट तो हो गई होगा। भैया जिनने महानुभाव ने जिन महानुभाव ने प्रश्न किया था उनके लिए समाधान है, वे जीव रक्षा के भाव से आत्मा की प्रतीति छूटती नहीं, आत्मा की प्रतीति बढ़ती है। वही तो भगवान आत्मा ये सब बातें अपने को वही 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 जितनी आपको तत्व की स्वीकारता भेद ज्ञान होगा तो आपको दूसरों से कोई संबंध नहीं रहेगा। आप अपनी अपन अपना विवेक अपने लिए पालन करना है, दूसरों से वही कह रहा है ना, अपने अंतर में इतनी विनम्रता रहेगी, सहजता रहेगी, सरलता रहेगी। तो भैया यहाँ पूरी चर्चा का सार ये है, अभी अपन जो विषय उठा रहा है कि जीव के विवेक की जागृति होनी चाहिए, पालन क्रियाएं अपने आप पलती हैं। जीव को विश्वास नहीं हो रहा, क्या विश्वास नहीं हो रहा कि हमें करना पड़ेगा, जीव को ये लग रहा है कि हमें करना पड़ेगा, लेकिन आचार्य श्री मध्य तारण स्वामी कह रहे हैं आपके परिणामों की विशुद्धि होगी तो आपके जीवन में वैसा परिणमन होगा। क्यों क्यों होगा भैया? क्योंकि आपकी कसाय मंद होगी। भैया हमने कल दोपहर में भी समझाया था आपको कि कसाय की तीव्रता होगी तो हिंसा अधिक होगी और कसाय की मंदता होगी तो हिंसा कम होगी। कसाय की तीव्रता से हिंसा का संबंध है भैया। तो अपन अपने विषय पे वापस चलते हैं। कसाय की तीव्रता से संकल्प हिंसा ही होगी और संकल्प हिंसा भी होगी, द्रव हिंसा भी होगी और भाव हिंसा भी अधिक होगी, दोनों हिंसा अधिक होगी। तो अपन भैया अपने विषय पे चलते हैं वापस। क्या कि एक इंद्री के आहार पे ही अपना जीवन टिका हुआ है। एक इंद्री का कबला आहार, जिस एक इंद्री का कलेवर जो अपन ग्रहण कर रहे हैं उससे ही अपना भरण पोषण हो रहा है भैया, उससे अपना जीवन यापन हो रहा है। लेकिन विवेकी पुरुष भैया उसमें भी भिन्नता करते हैं, भेद करते हैं कि क्या ग्रहण करने योग्य और क्या ग्रहण करने योग्य नहीं। इसको कहते हैं विवेक विचार। भोजन तो सभी कर रहे हैं लेकिन कोई सात्विक मर्यादित भोजन कर रहा है और कोई असात्विक अवक्ष का भोजन कर रहा है। भोजन तो दोनों कर रहा है भैया लेकिन एक के भोजन में संकल्प हिंसा है, विवेक विचार नहीं है, और एक के भोजन में भैया मर्यादा है। भैया वो एक साधना के लिए भोजन कर रहा है। सच्चा श्रावक जो वीतराग भगवान के वचनों का जो श्रद्धानी है, जो सच्चा श्रावक वीतरागी भगवंतों के वचनों का जो श्रद्धानी है, वो सच्चा श्रावक भोजन कर रहा है साधना के लिए। और एक भैया अज्ञानी अविवेकी जो भोजन कर रहा है वो भोजन कर रहा है भोगों के लिए। दोनों में कितना अंतर हो गया भैया? एक अपने पंच इंद्रिय के भोगों की संतुष्टि के लिए भोजन कर रहा है और एक भैया भगवान के वस्तु स्वरूप को ग्रहण करके आत्म साधना के लिए भोजन कर रहा है, तत्व का विचार करके भोजन कर रहा है। दोनों की आसक्ति में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों की कसाय में जमीन आसमान का अंतर है। और ये जो जमीन आसमान का अंतर है ना, यही मोक्ष मार्ग और संसारी जीव का अंतर। तो यही तो कहते हैं ज्ञान सत्संग में बैठने का यही तो लाभ है, स्वाध्याय करने का यही तो लाभ है कि जो विचार हम नहीं कर पाते वो विचार यहाँ जिनवाणी अपने को देती है। अपन मन के विचारों में मोहित रहते हैं। अब अपन कल से सुन रहे हैं भैया कहाँ कहाँ जीव हैं, कैसे कैसे जीव हैं, कैसे कैसे जीवों की हिंसा हो रही है। तो अब कल से अपने विचारों में परिवर्तन आया, अपन ने चिंतन में परिवर्तन आया, अपना उपयोग जो व्यर्थ की चिंताओं में लगा रहता था ऐसा कर लो वैसा कर लो, उन व्यर्थ की चिंताओं से हटके अपने चिंतन में तो आया, कुछ तो लाभ हुआ। उपयोग पाप परिणाम से हटके तत्व की चिंतन में तो लगा भैया। और ये तत्व का चिंतन ही तो कहना है, जीवों की रक्षा का भाव जिनवाणे का चिंतन ही तो है। नियम से संयम में कारण बनेगा तो यही तो सत्संग का लाभ है। तो अपन आगे चलते हैं भैया। क्या कह रहे हैं अपन कि एक इंद्रिय की भैया भोजन करने की मजबूरी है लेकिन उसमें भक्ष अभक्ष का विचार करके जीव अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है, मुक्ति का मार्ग बना सकता है। और देखो क्या कहते हैं अपन देख रहे हैं ना भैया, जैसे अपन ने नियम ले लिया भैया, ये भैया एक प्रश्न हम उठाते हैं आप, जैसे भैया
कल की चर्चा सुन के लोगों ने एक नियम ले लिया, क्या भैया सुबह उठ के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है और सबसे पहले 6 काय के जीवों से क्षमा मांगना है। देखो बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों ने ले लिया नियम, कल जब हमने चर्चा करी थी उसके बाद नियम ले लिया। क्या नियम ले लिया? भैया अब बिस्तर छोड़ने से पहले जैसे ही उठेंगे सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र करके पढ़ के पंच परमेष्टि का स्मरण करके अपने आत्म स्वभाव का स्मरण करके और 6 काय के जीवों पे से क्षमा मांगेंगे, उसके बाद भैया कोई काम करेंगे। क्यों भैया ऐसा क्यों कर दिया आपने, ऐसा क्यों ऐसा नियम क्यों ले लिया? भैया दिन भर तो होश रहे या ना रहे लेकिन भैया सुबह सुबह प्रारंभिक भूमिका में सबसे पहले क्षमा का भाव तो आ ही जाए। अच्छा बताओ आप, देखो देखो लोगों ने ऐसे क्रिया बना लिया, तो भैया जिसने जिसके भाव ऐसे हुए उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन अब आपने ये नियम लेके अब कई लोग ऐसे भैया जो बचपन से आज तक भैया सुबह 9 बार नमोकार मंत्र करते हैं और 6 काय की जीव से उत्तम क्षमा की भावना करते हैं, लेकिन बताओ क्या उनके अंतर में वो 6 काय की जीवों का विचार है? क्रिया नहीं बनाना ऐसे। हाँ आप 6 काय की जीवों की क्षमा मांगने आपने नियम लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो सुबह आप क्षमा की भावना करोगे ना, वो भावना आपके दिन रात के आचरण में दिखाई देगी तो वो उत्तम क्षमा की भावना कहलाएगी। जब उन जीवों का विराधना काल आपके जीवन में आएगा तब आपको वो भावना आपके जीवन में परिणमित होती हुई दिखाई देगी, तब वो आपका नियम सार्थक होगा भाई। मतलब जब आप दिन रात विवेक विचार का उपयोग करोगे तब आपका वो नियम सार्थक होगा। लेकिन भैया आपने मान लो सुबह नियम भर ले लिया, सुबह उठते से पढ़ने लगे भैया, रात में सोते समय पढ़ते हैं, उस समय 6 काय के जीवों से क्षमा की भावना करने लगे, तो भैया ये भावना सार्थक जब होगी जब ये अपने जीवन में जीने में आए, अपने जीवन में जीने में आएगी तो सार्थक होगी। तो अब अपन भैया फिर चलते हैं अपनी अंतरात्मा की ओर। क्या करते हैं भैया, क्या आप ये देखो कि अपनी पापों की रुचि कितनी गिरी, पापों की रुचि कितनी गिरी? पापों की रुचि मतलब भैया घर पुत्र परिवार मकान दुकान इन सब में आचरण कौन सा आचरण कहलाता है? चलिए बताओ, टाइम बहुत कम है। घर पुत्र परिवार मकान दुकान इन सब में आचरण कौन सा आचरण कहलाता है? पाप आचरण। ये पुण्य आचरण नहीं है, घर में दुकान में मकान में घर गृहस्थी में ये आचरण कौन सा आचरण कहलाता है? पाप आचरण, अशुभ आचरण। भैया जितना जितना इस अशुभ आचरण में अपन अशुभ परिणाम कर रहे हैं भैया, घर गृहस्थी के प्रति राग देश मोह के जितने अपन तीव्र कसाई में अशुभ परिणाम कर रहे हैं ना, जितने जितने अशुभ परिणामों का विनाश होगा भैया उतनी उतनी जीवों के प्रति अनुकंपा आएगी। इतना सिद्धांत लिख लो अपने जीवन में भैया, जितनी जितनी अशुभ प्रवृत्ति अपनी छटेगी, जितने जितने अशुभ परिणामों का अपना टेम्परेचर गिरेगा उतना उतना 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा आएगी भैया। यदि अपने को 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि हमारी कसाय अत्यंत तीव्र है, पाप की रुचि तीव्र है अपनी। और जीवात्मा याद रखना, जब तक पाप की रुचि है ना जीव को, देखो भैया आवृत्ति शावक के जीवन से पाप जाएंगे नहीं, ना एक देश अणुव्रत आ रहा है ना सर्वदेश महाव्रत आ रहा है। अभी आवृत्ति शावक के जीवन में क्या कहते हैं, ना अणुव्रतों का जन्म हो रहा है और ना महाव्रतों का जन्म हो रहा है, लेकिन भगवान आत्मा उसके जीवन में पापों की रुचि का अभाव है भैया, अभाव है। अर्थात वह ये जानता है कि ये घर गृहस्थी पुत्र परिवार का सारा परिणाम कर्मोदय जन्य है और उसको इस घर गृहस्थी पुत्र परिवार के जो परिणाम है इसमें अपनी रुचि है नहीं है, तभी वो मोक्ष मार्गी है भैया। याद रखना आप इस बात को नोट करो अपने जीवन में, यदि कोई आत्मार्थी जीव है जो कह रहा है मैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये कर्म आवरण घर पुत्र परिवार सब माया जाल है और मैं इससे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि कोई ऐसा आत्मरुचिया जीव है तो उसे पाप परिग्रह की रुचि का अभाव हुआ है भैया। घर गृहस्थी के अशुभ पाप भाव में घर गृहस्थी के अशुभ आचरण से उसकी रुचि का अभाव है भैया, उसे उस महारुचि नहीं है। उसकी रुचि कहाँ है भैया? उसकी रुचि अपने गायक भाव में है भैया, आत्मा के सहकार में उसकी रुचि है, तत्व के सहकार में उसकी रुचि है। तो जीवात्मा तत्व के सहकार में उसकी रुचि होने के कारण से क्या होगा भैया,
अपने आप ही जीव दया का परिणाम उसके जीवन में आएगा। क्योंकि जिसके जीवन में असुख की भावना नहीं है उसके जीवन में सुख का भाव अपने आप ही लाना नहीं पड़ता। लोग कहते शुभ भाव करना पड़ते हैं भैया, अरे अशुभ का त्याग करोगे तो शुभ अपने जीवन में स्वयं ही आएगा। और अशुभ का त्याग हो सकता है शुद्ध आत्म की रुचि से भैया, तत्व की रुचि से। और जीवात्मा तत्व की मुक्तता है भैया, विमल भावेन। विमल भावेन का कहने का अर्थ यही है कि कर्म मल से रहित जीव भाव रखे भैया, शुभ भाव अशुभ भाव दोनों से रहित विमल भाव से आत्मा की विशुद्धि सहित ये भावना तो भगवान जी सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बेर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा होए धर्म की, दुष्कृता दुष्कर हो जावे। और क्या है, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना जीवन, हाँ जन्म फल सब पावे। कितने अच्छे पढ़ते मेरी भावना भगवान जी, मेरी भावना हुई कब ये तो बताओ, मेरी भावना है क्या? ये तो पंडित जी ने लिखी है तो हम पढ़ रहे हैं भैया, पंडित जी ने लिख गए इसलिए ये पंडित जी की भावना है, मेरी कहाँ? जिसका नाम ही मेरी भावना है वो मेरी कहाँ है, किसकी है वो, जिनने लिखी है उनकी भैया। अपने को ऐसे भाव कहाँ हो रहा है, छह काय के जीवों में एकदम समानांतर भाव हो गई। देखो देखो देखो, जब जीव को ऐसा जीव आत्मा अर्थात ऐसा जीवत्व स्वीकार होता है तो भैया देखो, यदि जीव को अंतर से कसाय का टेम्परेचर कम होगा भैया तो देखो क्या होगा कि घर गृहस्थी में भी देखो, आप अपन घर में आ गए भैया, संगी पंचेंद्रीय जीवों के बीच में आ गए, अपने यदि जीव को अपने जीव आत्मा का बोध होगा, छह काय के जीवों पर अनुकंपा का परिणाम होगा, विमल भाव से यदि वो छह काय के जीवों पर दया कर रहा है तो भगवान जी उसका जो व्यवहार है, लौकिक जो व्यवहार है, घर गृहस्थी में भी जो व्यवहार है उस व्यवहार में भी कसायों का अभाव हो जाएगा, अर्थात राग देश की प्रवृत्ति का अभाव हो जाएगा, बेर विरोध खत्म हो जाएंगे भैया, बेर विरोध खत्म हो जाएंगे। मतलब भैया अपन भैया दुनिया से तो क्षमा मांग सकते हैं, दुनिया को तो क्षमा दे सकते हैं, लेकिन जिनसे अपना वैर है उन्हें क्षमा दे सकते हो क्या? बहू से ना पट्टी हो, सास से ना पट्टी हो, पड़ोसी से ना पट्टी हो, समाज में किसी व्यक्ति से ना पट्टी हो, तो क्या आप उससे क्षमा कर सकते हो क्या भैया? हाँ उसे क्षमा कर सकते हो? भगवान जी यदि अनुकंपा का भाव आएगा तो आपके अंतर में वो क्रोध आदि जो कसा है ना वो उसका टेम्परेचर गिरेगा। तो जब अन्य प्राणियों पर दया का भाव आएगा तो क्या भैया तुम्हें अपने घर वालों पे घरेलू हिंसा, कल भी हमने विषय लिया था भैया, तो भैया यदि आपके घर में घरेलू हिंसा है अर्थात आप घर में प्रताड़ित करते हो किसी को, यदि आप किसी जीव को भयभीत करते हो, यदि आप किसी भैया संगी पंचेंद्री गाय बैल आदि कुत्ता बिल्ली यदि इन जीवों को भी यदि अपन भयभीत कर रहा है, भय दे रहा है भैया, तो भगवान जी अपने अंतर में अनुकंपा का भाव, हमने पहले ही कहा था जीव निकटवर्ती हिंसा को टालता है। निकटवर्ती हिंसा मतलब पहले आपके परिवार में शांति होनी चाहिए, पहले आपके सबसे निकट, पहले आपके हृदय में शांति होनी चाहिए, आपकी कसाई की ममता होना चाहिए, फिर आपके घर में शांति होनी चाहिए, फिर आपके मोहल्ले में शांति होनी चाहिए, और भैया फिर आपके देश में शांति होनी चाहिए। क्यों? निकटवर्ती हिंसा को टालना भैया, दूरवर्ती हिंसा को अपन रोक नहीं सकते। मान लो जैसे पाकिस्तान और क्या बोलते हैं भैया अन्य देशों के युद्ध चल रहा है, आप उसे रोक सकते हो? अभी इतने विश्व युद्ध की जो चल रहा है, जो अन्य देशों में युद्ध आदि की स्थिति चल रही है, आप उन्हें रोक सकते हो क्या? चलो भैया दूसरे देशों की छोड़ो, आपके घर के बगल में जो पड़ोसी लड़ाई कर रहा है क्या उन्हें रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। कुछ कर सकते हो क्या?
लेकिन भगवान आत्मा आप अपने घर के युद्ध को तो रोक सकते हो, नहीं रोक सकते? रोक सकते हो ना? तो आप अपने घर में कितनी समता शांति से रहते हो, पहले ये बताओ। आपके अपने स्वयं के परिणामों में कितनी समता है, आपके स्वयं के परिणामों में कितना आनंद है, आप कितने कसाय से रहते हो, आपके चित्त में कितनी निर्मलता है भगवान आत्मा, पहले आप ये बताओ। क्यों भैया? क्योंकि छह काय के जीवों के प्रति दया की भावना, अनुकंपा की भावना का विचार करने के पहले मुझे ये विचार करना पड़ेगा कि मेरे अंतर में कोमलता कितनी, मेरे अंतर में समता भाव कितना है। भैया क्यों तारण स्वामी लिखा ना, सत्वम जीव संभावम, सभी जीवों के प्रतिकार से जितने भी जीव है ना भैया, इन सभी जीवों के बीच में मध्यस्थता का भाव, समता का भाव, संभाव अर्थात क्या बोलते हैं, साक्षी भाव, सहज भाव, वीतरागता का भाव। क्या वीतरागता का भाव भैया? राग देश से मेरा हित नहीं है, राग देश से कलह बढ़ती है, राग देश से क्रोध बढ़ता है, राग देश से अनाचार बढ़ता है भैया। और साम्य भाव में रहने से, समता भाव का चिंतन करने से भैया घर भी स्वर्ग बनते। हम भैया घरेलू हिंसा टालने की बात कर रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि आपके जीवन से, आपके व्यवहार से कितने जीव दुखी हैं? आपको पता है? अरे भैया आपको पता है कि आपके अनुचित व्यवहार से कितने जीव दुखी हैं? उसके बाद भी यदि आप वही व्यवहार करते हो तो आपको समता कहाँ है, आपको अनुकंपा कहाँ है? मजा आता है ना भैया? क्या मजा आता है? यदि कोई दुखी हो तो उसे और उल्टा व्यवहार करके दुखी करने में आनंद आता है। तो भगवान जी बताओ, जो अन्य जीवों को पीड़ा देके आनंद मना रहे हो, हिंसा हिंसा नंदी रोध ध्यान में जिन्हें आनंद आ रहा हो, भगवान आत्मा उनसे अनुकंपा की बात कहां से करोगे? भैया हम तो कीड़े मकोड़ों की रक्षा करते हैं भैया, या फिर तो हम तो गाय भैंस को, गाय बैल की रक्षा करते हैं, कुत्ता बिल्ली को बिस्कुट खिलाते हैं भैया, उन जीवों पर दया करते हैं। तो जो घर में रह रहे हैं वो जानवर वो कौन है? जो घर में रह रहे हैं वो कौन है? नहीं, वो तो मुर्दा शरीर है ना? क्या ना भैया, हम त्रियंशों पर दया करते हैं, जानवरों पर दया करते हैं भैया, लेकिन जो घर में रह रहा है वो जानवर से भी बदतर है क्या ना? ये दया करने लायक देखो कह रहे कितने से नहीं है। जानवर से भी बदतर है, दया करने लायक नहीं है भैया। यदि अपनी ऐसी कठोरता है अपने हृदय में, यदि किसी जीव को लेके ऐसा अन्याय का भाव अपने हृदय में है, यदि किसी जीव को लेके ऐसी अनाचार की भावना अपने अंतर में है, तो भैया अपन छह काय की जीवों पर अनुकंपा का विचार कब कर पाएंगे? ये तो बता। अपने जीवन में जब शांति नहीं है, अपने जीवन में ही जब समता भाव, साक्षी भाव का विचार नहीं है, जब हम आत्महिंसा करने पे उतारू है, घरेलू हिंसा करने पे उतारू है भैया, संकल्पी हिंसा करने पे उतारू है, ना भोजन में मर्यादा है, ना वचन में मर्यादा है, ना जीवन में मर्यादा है भैया, जब कहीं भी संयम नहीं है, ना वाणी संयम है, ना भैया प्राणी संयम है, कोई सा भी संयम नहीं है, ना शरीर के क्रियाओं में विवेक विचार है भैया, बताओ जीवन कैसे जी रहे हो? समता समता भाव में अच्छी बात है। यदि ऐसे समता भाव में यदि अपना जीवन है तो भगवान आत्मा अपने आप ही जीवन सुधरता है। और ये विषय इसलिए लिया है, ये विषय इसलिए ले रहा है भैया कि आज के समय भोजन आदि की अज्ञानता तो जीवों में है ही, भोजन आदि के प्रति भैया अविवेक तो जीव के अंदर में है ही, लेकिन आजकल लोगों के घरों में जो नर्क मचा हुआ है ना भैया, वो जो लोगों के जो घर ही नर्क बन गए, अब लोगों को नर्क जाने की जरूरत नहीं है। किसने बोला? बोलिए
ये स्वच्छंदी जीवों की बात है भगवान जी। ये सिद्धांत है, सिद्धांत तो सिद्धांत बनाएगा, लेकिन आपके अंदर में जो कठोरता की भावना है वो आपका अपराध है। आप किसी को पीड़ा देने के लिए आप दूसरों पर दया कर रहे हो, दूसरों को दान दे रहे हो, भैया दूसरों को खूब पुण्य कर रहा हो, मंदिरों में लाखों रुपए दान दे रहा हो, लेकिन आप अपने घर वालों को शांत नहीं रख पा रहा है, सुखी नहीं रख पा रहा है। अरे उनकी प्रवृत्ति को, अरे वो भैया यदि कोई दारू पीने वाला हो, कोई सप्त व्यसनी हो तो बात अलग है। यदि कोई घर में ऐसा व्यक्ति हो सप्त व्यसनी हो, या दारू पीने वाला हो भैया, या घर का नाश करने वाला हो, जुआणी हो, तो बात अलग है भैया। लेकिन यदि घर में आप मंदिरों में करोड़ों का दान दे रहे हो, लाखों का दान दे रहे हो, लेकिन अपने घर में लोगों के साथ समता नहीं रख पा रहे भैया, घर में चार लोग शांति से नहीं रह पा रहे, और बाहर करोड़ों का दान दे रहा हो, तो भैया वो दान मान कोई काम का, वो अनुकंपा कोई काम के नहीं है। वो तो भजन भी है हिंदू समाज में, भैया भूखे को खाना खिलाया नहीं, माता पिता की सेवा की नहीं, और पूरी दुनिया को पात्र भावना कराने चले गए। क्योंकि जीवन में दिखना चाहिए, यदि आपके पास दया है, अनुकंपा है, यदि आपके पास भावना है, तो वो आपके जीवन के आचरण में दिखना चाहिए। यदि आपके पास विवेक है तो वो आपके जीवन के आचरण में दिखना चाहिए। भैया जब अपने जीवन के आचरण में अपन जीते हैं उस सत्य को, जब मुक्ति का मार्ग बनता। भैया यहाँ जैन धर्म कहने की बात नहीं, यहाँ अहिंसा परमो धर्म कहने की बात नहीं भैया, अहिंसा परमो धर्म कहने के लिए नहीं है, ये अहिंसा परमो धर्म जीने के लिए है। आपको कितनी दया की भावना है, आपको कितनी अनुकंपा की भावना है, आपको जीवों पर कितनी दया है भैया। भैया देखो जितना भी संयम है ना, अपन संयम की बात करते हैं, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, भैया अपन संयम की बात करते हैं तो इच्छाओं के निरोध का नाम ही तो संयम है भैया। तो बताओ अपना घर पुत्र परिवार में बेर किस लिए है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, इसी बात का तो बेर है। यदि आप किसी से द्वेष रख रहे हो, यदि आप किसी से भैया द्वंद रख रहे हो, तो वो आपकी इच्छा अनुसार परिणमित नहीं हो रहा, धर्म अधर्म के कारण नहीं है आपको द्वेष, वो आपकी इच्छा अनुरूप परिणमित नहीं हो रहा, इसलिए तो आपको उससे कलह है ना, इसलिए तो आपको कलेश है। यदि वो आपकी इच्छा अनुसार परिणमन करने लगे तो कोई बेर है क्या? तो इच्छा निरोध तपा है ना। पहले एक बार बताओ, यदि वो आपकी इच्छा अनुसार परिणमित नहीं हो रहा तो आपको उस पर द्वेष का परिणाम आ रहा। भैया भैया जी वहां द्वेष की जगह मैत्री भाव, समता भाव, मध्यस्थता का भाव नहीं आ रहा, मतलब मैत्री नहीं कर पा रहा है, करना का भाव नहीं आ पा रहा, लेकिन पापी के प्रति भी मध्यस्थ भाव की भावना कहीं नहीं। जैसे घर वाले पापी तो नहीं है, हिंसा तो नहीं कर रहे होंगे, साथ व्यसन तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मध्यस्थता का भाव क्यों नहीं आ रहा? समता भाव से, मध्यस्थ भाव से उनके साथ आनंद के साथ क्यों नहीं जी पा रहे आप? देश क्यों पनप रहा है? बल्कि सामने वाले में आग लग जाए ऐसी उल्टी प्रवृत्ति क्यों हो रही भैया? ऐसे शब्दों का उच्चारण क्यों हो रहा है? ऐसे शब्दों के बाण क्यों छोड़ रहे हो? जो भैया शरीर को काटो तो फिर भी थोड़ी देर खून निकलता है, लेकिन शब्दों के ऐसे बाण क्यों छोड़ रहे हो कि जो एक बार हृदय में लग जाए, जन्म जन्म जब तक जन्म है, जब तक जीवन है, तब तक वो रक्त का प्रवाह होता रहे, अर्थात तब तक वेदना होती रहे। काटा यदि हाथ में चुभेगा ना तो देखो, आप यदि घर वाले से दुखी हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन आपके निमित्त से यदि वो दुखी हो रहा है, और आपकी यदि एक उत्तम क्षमा की भावना से या आपके मीठे बोलने से यदि सारा काम चल सकता है भैया, उसके बाद भी यदि आप बेसब प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, तो आप कहाँ छे खाएगी जीव पे अनुकंपा करोगे भगवान जी? घर में संगी पंचेंद्रियों पर तो दया कर नहीं पा रहे आजकल भैया। देखो अब हम ये विषय निकल आया, मैंने 10 बचे फिर भी सुन लो, आजकल परिग्रह की आकांक्षा इतनी ज्यादा है कि भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई नहीं मिलते भैया। एक दूसरे से छल, एक दूसरे से कपट, एक दूसरे से मायाचारी करके एक दूसरे की चीज को हड़पने के अलावा और कोई भावना नहीं बची भैया।
एक दूसरे के साथ मायाचारी का छल का परिणाम, कठोरता का परिणाम क्यों हो रहा भैया? इसीलिए हो रहा भगवान आत्मा, क्यों हो रहा है? क्योंकि मैत्री भाव नहीं बचा ना जीव जीवों को, मुझे और अधिक मिल जाए, मुझे और अधिक मिल जाए, तत्व का विचार ना नहीं बचाना, वस्तु स्वभाव का विचार नहीं बचाना कि मैं अधिक खा लूं, मैं अधिक जोड़ लूं, मैं अधिक रख लूं। ये जो भावना है ना भैया, ये भावना कलह का कारण बन रही है। और अधिक और अधिक और अधिक, जीव को अपने भाग्य का निर्णय नहीं रह गया भैया कि जो मेरे भाग में है वो सुरक्षित है, मेरी मायाचारी से एक तिनका भी नहीं बढ़ सकता भैया, मेरे छल कपट की भावना से एक तिनका भी नहीं बढ़ सकता। जो है भैया वो अपने पूर्व पुण्योदय से है, और भगवान जी यदि पुण्योदय नहीं होगा तो कितने ही जोड़ लिया जाए रुकने वाला आज जितना भी कलेश है ना भैया, वो सब संपदा को लेके, संपत्ति को लेके, और इस संपत्ति के चक्कर में, परिग्रह को इकट्ठा करने के चक्कर में जीव एक दूसरे को कितना दुखी कर रहा है भैया, एक दूसरे के प्रति कितनी कले की भावना हो रही है। घरों के माहौल नर्क में बने हुए हैं भैया, नर्क, सातवें नर्क को देखने नहीं जाना आपको, सातवां तो नहीं, पहले नर्क आपको देखना हो तो आप किसी घर चले जाओ भैया, आपको घरों में नर्क दिख जाएंगे। क्यों 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 क्यों, कारण क्या है? कसाई की तीव्रता, कर्म का उदय तो है ही, कसाई की तीव्रता, परिग्रह की भावना, लोभ कसाई की तीव्रता भैया, क्रोध कसाई की तीव्रता, मायाचारी, छल, अनाचार, इसमें भैया जीव वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करता, और मुझे और अधिक कैसे छल छल के करके, कपट करके कैसे अधिक कमा लिया जाए, कैसे अधिक जोड़ लिया जाए, ऐसी भावनाओं में पागल हुआ जा रहा है। उसे तत्व का विचार नहीं हो रहा, भगवान की वाणी का ज्ञान नहीं हो रहा। तो भैया अपने जीवन को, जिस जीवन को सुख आनंद और शांति के साथ जीना था, उस जीवन को पाप परिग्रह चिंताओं और कलेश के साथ स्वयं दुखी हो रहा है और अन्य जीवों को दुखों का कारण बन रहा है। भगवान जी ये दूसरे के दुख में कारण बन रहा है बुद्धि पूर्वक, सहज बन गए कर्म उदय तो कोई बात नहीं, यदि रुचि पूर्वक अपने लोभ की, स्वार्थी, काम आदि की भावना से बुद्धि पूर्वक यदि किसी को पीड़ा देने में साधन बन रहा है भगवान आत्मा, तो वो हिंसा है, और यही हिंसा नंदी रोध ध्यान है जो 24 घंटे अपने जीवन में हो रहा है। हिंसा नंदी रोध ध्यान है, दिन रात हो रहा है अपने से, किसी को दुखी करने में निमित्त बन रहा है। क्यों बन रहा है भैया? इसलिए क्योंकि भैया अपन मीठा नहीं बोल सकते बस, हाँ भैया कोई अज्ञान ही है उल्टी बात बोल रहा है वो बात अलग है, लेकिन उसके बाद भी तो क्षमा की भाव ना करके अच्छे से बोल के अपनी बात को खत्म करो भैया, किसी के दुख में कारण मत बनो। भगवान जी आचार्य तानसेन कितने अच्छे से कह रहे हैं, सत्वम जीव संभावम, अरे सब जीवों के प्रति समता का भाव रखो, कृपा सह विमल कलिष्ट जीवानाम, अरे देखो तो ये सारा संसार ही दुख में डूबा हुआ है, कलेश को भोग रहा है, लेकिन भगवान जी तुम तो इन्हें मत कलेश दो, कृपा सह तुम तो इनके ऊपर करुणा करो, तुम तो दया करो, ऐसा थोड़ी ना कोई दुखी हो रहा है कोई आग में जल रहा है तो उसे और आग में फेंक दो, ऐसा थोड़ी ना है। या जो जो कर रहा है उसकी वो भोगेगा, अपने को तो अपना कल्याण करना है ना, तो अपने को अपना कल्याण करना तो क्या करना है, सुखी रहे सब जीव जगत, सुख हो भैया, अपन छिड़ाला पड़ता ना, सटकाए जीव नहनन ते षट ध्रुव, क्या है सटकाए जीव नहनन ते, जब बोलते जब कुछ याद नहीं आता, तो भैया छह काय के जीवों का आनंद नहीं करने वाले वो वीतरागी भाव लेंगे बने, हाँ सब प्रकार से द्रव हिंसा आदि का त्याग करना, राग आदि भाव निवार के, हाँ हिंसा ना भाव है अवतरी, अंतर में राग आदि दोषों का निवारण करके हिंसा का भाव का जन्म ही ना हो अपने जीवन में, तो साधु दशा प्रकट होती रही। छह काय के जीवों का हनन करने का भाव जाए, अंतर से राग देश का भाव टले, द्रव हिंसा का भाव टले भैया, तब 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 अपने जीवन में हिंसा उत्पन्न ना हो, ऐसी भावना आती भैया जीवात्मा। और सुनो, जब तक राग देश है तब तक हिंसा का त्याग नहीं हो सकता, इसलिए बार बार विचार करना है भगवान जी। और अपन कल ये विषय लेंगे, आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार में गाथा लिखी है भैया, अहिंसा महाव्रत के अंतर्गत क्या लिखी है, अहिंसा अनुव्रत महाव्रत के अंतर्गत
असत्य सहयोगी हिंसा, हिंसा जब भी होती झूठ के आश्रय से होती है। जब तक जीव झूठ में प्रवृत्ति करता है तब तक ही हिंसा है। और जहां जीव के अंदर में सत्य का जन्म होता है, वस्तु स्वभाव का जन्म होता है, जीव सत्य के नजदीक होता है, वहां हिंसा का अभाव अपने आप ही हो जाता है। जितनी भी हिंसा है वो भैया असत्य के आश्रय पर टिकी हुई है, झूठ के आश्रय पर टिकी हुई है। जब तक झूठ है, जब तक ये काल्पनिक जगत सत्य लग रहा है, जब तक ये भोग में पदार्थ सत्य लग रहा है, जब तक विषय काम वासना ये सत्य लग रही है, जब तक अब्रह्म आदि के भाव सत्य लग रहे हैं, जब तक भैया संसार में विषय वासनाएं सत्य लग रही हैं, तब तक हिंसा का अभाव नहीं हो सकता। यदि हिंसा का अभाव करना है फिर सत्य सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य को अंगीकार करना पड़ेगा। वो सत्य एकमात्र मेरा गायक स्वभाव है, जिस सत्य को अंगीकार करने के बाद सारी हिंसा का अभाव हो जाता है। आज से शुरुआत करो भगवान जी, यदि घर में किसी को अपने निमित्त से पीड़ा देते हो तो पांव पड़ के क्षमा मांग लो, कुछ भी जाने वाला नहीं है। तुम्हारी आत्मा कोमल हो जाएगी, तुम्हारा हृदय कोमल हो जाएगा। और यदि प्रॉपर्टी और धन दौलत को लेकर झगड़े चल रहा है तो आज ही वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ छीन सकता नहीं है। यदि कोई भैया आगम में एक जगह ऐसा लिखा है, यदि कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है, कोई तुम्हारा पैसा खा जाता है, और यदि कोई तुम्हारे हिस्से को यदि दबा लेता है तो उसे अपना उपकारी मानो। क्यों? क्योंकि अगले भाव में वो गाय बैल या नौकर बन के तुम्हारा सेवक बनने वाला है। और भैया इस जन्म का कमाया हुआ तो इस जन्म में ही छूट जाता, अच्छा हुआ उसने हड़प लिया। क्यों? अगले जन्म की व्यवस्था बन गई, अब वो मेरा नौकर बन के जन्म लेगा लेगा और लेगा। कोई पिछला वसूल, यदि वो पिछला वसूल रहा है तो अपना कर्जा उतर गया, अब अगले जन्म में अपने को उसका नौकर नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन उसकी छल कपट की जो भावना से उसने वसूला है उसके परिणाम स्वरूप तो उसे आपका नौकर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने जो मायाचारी का परिणाम करे ना सहजता में उसे मिल जाता, छल कपट से नहीं लेता, सहजता में आप दे देते उसका कर्जा वसूल हो जाता। लेकिन उसने छल कपट मायाचारी से छीना है तो भगवान जी जो परिणाम उसने करे उसका दंड तो उसे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान जी अपने उपकारी हैं। हम कईयों बार कहते हैं कोई आपकी निंदा करता है वो आपका सबसे बड़ा मित्र है, कोई आपके साथ आपकी वो आपकी बुराई करता है, कोई आपके धन संपत्ति छीनता है, कोई आपके साथ अनाचार करता है तो उससे बड़ा मित्र अपना कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अपने पाप कर्मों को काटता है और भैया अपने लिए भैया जो असाता वेदनी अपना है उसे काटता है, भैया अपना असाता वेदनी कम, अपना असाता वेदनी कम होगा तो शांति से अपन ही रहेंगे। उसके प्रति अपने को ईर्षा जलन क्रोध और भैया अहंकार की भावना ना रख के उसके प्रति तो मित्रवत भाव रखना चाहिए, इससे बड़ा हमारा हितैषी और कोई। कितना उपकार कर दिया उसने, परिग्रह ले गया, अपना असाता वेदनी अपयश कीर्ति का उदय था उसने निंदा कर करके काट दिया, न जाने अपन कहां भुगतते। भैया अपने पाप को जो कम कर रहा है वो तो अपना मित्र है, उपकारी है। इसलिए भैया ऐसे उपकारियों को हमेशा पास रखते, निंदक क्या कहते हैं, निंदक न्यारा राखिए आंगन आंगन कुटी छवा है। क्यों? क्योंकि इस निंदक को तो अपने आंगन में रखो भैया। क्यों? क्योंकि ये अपने दोषों को बताएगा, अपने दोषों को बताएगा तो अपने जीवन से दोष भी खत्म होंगे और भैया निंदा करते करते अपने कर्म को भी ले जाएगा, अपन तो सुखी रहेंगे भैया। भैया सुखी रहने का मूल मंत्र है कि अपने को अपनी आत्मा का स्मरण बना रहे, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना ना आए, अहिंसा की भावना अपने जीवन में जन्म ले। और आचार्य तारण स्वामी की गाथा अपने जीवन में अवतार बन के ग्रहण हो, भैया कृपा सह सभी जीवों में करुणा का भाव हो, विमल भाव कलिष्ट जीवाना। इस संसार के सारे जीव कलेश भोग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, वीतराग धर्म को नहीं जानते। इनके प्रति कैसा भाव भैया? करुणा का भाव। भैया छह काय के जीवों पर दया करें, सभी जीवों पर समता शांति का भाव रखें, सभी जीवों को भैया उत्तम क्षमा की भावना के साथ भैया सभी जीवों के प्रति बैर विरोध छोड़े और राग द्वेष से मुक्त होके अपने वीतराग का मार्ग बनाए। यही आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव जीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण तरण मिलाचार्य। जूम से हम प्रश्न ले सकते हैं यदि किसी को इस विषय में कुछ पूछ रहा हो तो।
इतनी चर्चा के विषय में यदि किसी को कुछ पूछना हो, 72 लोग हैं, 3 थे, कम हो गया, किसी को यदि कुछ पूछना हो इस पूरी चर्चा में तो हम आपको विषय दे सकते हैं। जी कहिए। देखो भैया, अन्याय, अन्याय की परिभाषा दो होती है भैया, दो अन्याय की परिभाषा होती है। एक अन्याय की परिभाषा होती है धर्म के प्रति अन्याय, समाज के प्रति अन्याय, महा सबको बोलना चाहिए, लेकिन एक अन्याय की परिभाषा होती है मेरे प्रति अन्याय, मेरे स्वार्थ के प्रति अन्याय, स्वार्थ के प्रति अन्याय, मेरे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही तो मुझे अन्याय लग रहा है। एक न्याय होता है जो सबके लिए होता है, धर्म के लिए होता है, और एक न्याय होता है मेरे लिए होता है, स्वार्थ के लिए होता है। तो अपने जीवन में जो न्याय है ना, वो कौन सा वाला है? अपने हित के वाला है, अपने बच्चों के हित वाला है, सास ससुर के हित वाला नहीं, परिवार के हित वाला नहीं है, वो क्या बोलते हैं, समाज के हित वाला न्याय नहीं है। अपने लिए न्याय क्या है? अपना स्वार्थ अपने लिए न्याय है, और ऐसे न्याय सब झूठे भाई। थोड़ी कड़क भाषा है, अपना न्याय अपना स्वार्थ है। तो भैया यदि कोई हमारे साथ अनाचार कर रहा है तो भैया इसलिए तो समता भाव कहा गया है। यदि कोई आपके साथ अनाचार कर रहा, मतलब कोई आपकी संपदा को हड़प रहा है, तो मान लो भैया तो यही तो विचार करना है कि तत्समय की योग्यता है, तो वो अन्याय नहीं है। लेकिन भैया यदि कोई मंदिर की संपदा को हड़प रहा है तो फिर वो धर्म की बात है। तो यदि कोई पूरे परिवार की संपदा को कोई पड़ोसी हड़प रहा है तो भैया फिर वो परिवार के हित की कल्याण की बात है। मन की नहीं, जैसे कि हमने आप क्या कहा, आपने मन सुन लिया, हमने क्या कहा, हमने ये कहा यदि कोई मंदिर की संपदा को हड़प रहा है तो फिर धर्म की बात आ गई। यदि कोई भैया आपके परिवार की संपदा को कोई पड़ोसी हड़प रहा है, कोई अनाचारी अज्ञानी हड़प रहा है भैया, तो फिर ये बात आ गई, काय की बात आ गई भैया, धर्म की, न्याय की, परिवार के न्याय की। नहीं भैया, दो भाई आपस में रह रहे हो, परिवार में 4 लोग रह रहे हो, यदि कोई को थोड़ा ज्यादा ले रहा है, उसमें लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो भैया यही तो पुण्य पाप को विचार करने के लिए है। न्याय स्वार्थ से जन्म नहीं लेना चाहिए भैया, निजी स्वार्थ से न्याय का जन्म नहीं होता। न्याय का जन्म होता है परिवार के कल्याण से, समता भाव से। पैसा ही सब, जब तक सब कुछ है तब तक आपका न्याय नहीं हो सकता। जब तक अपने अपना पक्ष है तब तक न्याय नहीं हो सकता। न्याय होता है परिवार को लेके, न्याय होता है समाज को लेके, न्याय होता है देश को लेके। अरे स्वयं के लिए न्याय की बात कर रहा हो तो भैया वो न्याय नहीं है। ठीक है, और कुछ? चलिए भैया, आपके प्रश्न ना होने से अपनी चर्चा को ये समाप्त कर रहे हैं। बोले श्री गुरु महाराज।